स्टूडेंट, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है मैक्स वेबर का पूंजीवाद, पूंजीवादी व्यवस्था। और इसको खास तौर पे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लिखाया है कि प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का उदय, इस संबंध में मैक्स वेबर के विचारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बताना है कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का उदय। सबसे पहले मैं पूंजीवाद पे फोकस करूंगी। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिकल सिस्टम जिसे कहते हैं, व्यवस्था सिस्टम जिसके अनुरूप कोई कार्य संपादित होते हैं। पूंजीवादी सिस्टम सबसे पहले यूरोप में आया। यूरोप में कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहते हैं जब हस्तचालित मशीनों का स्थान शक्तिचालित मशीनें ले लेती हैं, तो उद्योग तीव्र मात्रा में स्थापित होते हैं, उत्पादन भारी मात्रा में होता है, तो उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब आता है पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार का स्वामित्व कम होता है। सरकार, ध्यान से समझना आप लोग, सरकार का स्वामित्व कम होता है, मतलब सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती, निजी हिस्सेदारी होती है, मतलब कोई व्यक्ति इसका निजी हिस्सेदारी होती है। साथ ही साथ संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, मतलब जो उद्योग स्थापित हुआ उसका जो स्वामित्व होगा वो निजी हाथों में होगा। निजी, जैसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग किन किन उद्योगपतियों को जानते हैं, बताओ फिर से। मुकेश अंबानी, ये सब क्या है, उद्योगपति है। तो ये क्या है, ये सरकार से बंधे हुए नहीं है, ये निजी व्यक्ति है और संपत्ति निजी हाथों में जाती है। तो उद्योग पूंजीवाद क्या है, एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और शक्ति चालित मशीनों की सहायता से होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन बड़े पैमाने में होता है, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से होता है, और वो मशीनें शक्ति चालित यानी बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं। संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, संपत्ति जो होती है वो निजी हाथों में होती है, और ऐसे ही सरकार का स्वामित्व बहुत कम या होता ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। और इसका उद्देश्य देखो, सबसे प्रमुख है पूंजीवाद का उद्देश्य। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाभ कमाना। पूंजीवादी व्यवस्था जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, देखिए सिद्धांत में आपको पढ़ाऊंगी लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये पूंजीवाद है क्या। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है और इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है लाभ कमाना। आज हमारे सामने जो अभी अभी आप लोगों ने बताए हैं, अंबानी, आप देखते हैं अंबानी जब ग्रुप्स आए थे तो उन्होंने किस से अपना तेल के उससे अपना कारोबार शुरू किया था। आज कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अंबानी ग्रुप्स नहीं है। आज हम टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, ऐसे ही मित्तल ग्रुप की बात करें, लोग 1 से 10 कंपनियां स्थापित करते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि पूंजी उनके हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है, पूंजी उनके अपने हाथ में है। पूंजी से जब वो लाभ कमाते हैं उसका उत्पादन भारी मात्रा में उत्पादन होता है, उत्पादन से उनके पास लाभ ज्यादा एकत्रित हो जाता है, बदले में वो उसके बदले में क्या करते हैं, दूसरी कंपनी खोल देते हैं। आज इस शहर में भी है, उसमें भी है। तो कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स कहता था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये पूंजीवादी सिस्टम है जिसका उद्देश्य है अपने अपने लिए लाभ कमाना, लाभ कमाना। इसका पूंजीवादी सिस्टम का ही प्रमुख उद्देश्य ही यही है, सिस्टम का लाभ कमाना, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब मैं तुम्हें प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का उदय, मैक्स वेबर ने अपनी एक किताब लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म,
उसमें मैक्स वेबर ने बताया था, देखो प्रोटेस्टेंट एक धर्म था, धर्म जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, वो सारे धर्म के नाम सुनते हैं, ऐसे ही एक प्रोटेस्टेंट धर्म था। वो कहते हैं यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के कुछ नियम और विश्वास ऐसे थे जिन्होंने पूंजीवाद को पनपने में बहुत ज्यादा सहयोग किया। अभी हम उन्हीं नियमों पर, उन्हीं विश्वासों पर बात करेंगे कि इसी किताब में अपने मैक्स वेबर ने पूरे विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था। उन 6 धर्मों के अध्ययन करने के बाद मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म जो ये प्रोटेस्टेंट धर्म था, इस प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसे नियम और विश्वास को पाया कि जिसने पूंजीवाद को सपोर्ट किया। अब हम सबसे पहले तुम्हें उन धर्म में क्या नियम थे, ऐसे क्या विश्वास था उनका, उनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए इन्हीं पूंजीवाद के संबंध में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद में कहीं ना कहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि धन से धन कमाया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना। वो वास्तव में ये सब बातें करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब किस विश्वास और किसके अंतर्गत आता था, प्रोटेस्टेंट धर्म के। और पूंजीवाद मैंने अभी अभी आप लोगों को सिर्फ मैंने इसलिए विस्तारित रूप से बताया कि वास्तव में आप समझ पाओ कि पूंजीवादी एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था, और उसको बहुत अधिक आगे ले जाने में मदद की इसने, प्रोटेस्टेंट धर्म ने। तभी तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पूंजीवादी विचारधारा, प्रोटेस्टेंट विचारधारा और पूंजीवाद का उदय। मैक्स वेबर ने अपने जो प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बताया, अब मैं उस पर फोकस करती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था, कार्य ही सबसे बड़ा गुण है, कार्य ही सबसे बड़ा गुण है। वो व्यक्ति का गुण कौन, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी या प्रोटेस्टेंट धर्म कहता था कि जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। हम जितना अधिक कार्य करेंगे हम अपने गुणों का विकास करेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, हम जितना अधिक कार्य करेंगे हमारे गुण बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने कार्य को गुण बताया था, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म यूरोप में ही क्यों आया और पूंजीवाद का उदय यूरोप में क्यों हुआ, इटली में क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन था। इटली में कैथोलिक धर्म था, और तुमने कभी अगर कैथोलिक विचारधारा को सुना हो, एडम ईव की कहानी सुनी हो कि उन्होंने समझदारी वाला फल खा लिया था, एडम ईव ने जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने समझदारी का फल खा लिया, तो उन्हें शाप मिल गया था कि अब तुम श्रम करोगे और ये तुम्हारा धर्म था। उसमें जो एडम ईव की कहानी थी तो उनको दंड मिला था कि व्यक्ति जो कार्य करेगा वो दंड है, परिश्रम को दंड कहा गया है। तो ऐसे में लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म में काम को क्या माना गया है, गुण, काम को गुण माना गया है। हम जितना अधिक काम करेंगे उतना हमारे गुण जो होते हैं वो विकसित होते हैं, उनका विस्तार होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इसकी विचारधारा थी किसकी, प्रोटेस्टेंट धर्म की। पहली तो थी कि काम ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है, एक व्यवसायिक आचार की बात की थी। देखो प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे विश्वास थे, व्यवसायिक आचार, व्यवसायिक ऑक्यूपेशनल, व्यवसायिक को हम ऑक्यूपेशनल बोलते हैं, कि हम जितना अधिक कार्य करेंगे उतना अधिक हमारे अंदर निखार आएगा। कई बार हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, तुम लोग ने भी किया होगा, हम सोचते हैं आज हमने कोई काम नहीं किया, पूरे दिन लेजी रहे हम, अरे आज का दिन तो बेकार गया। किसी दिन हम बहुत मेहनत करते हैं, सफाई की, पढ़ाई की, तो आज लगता है आज हमारा दिन वसूल हो गया, आज हमने बहुत मेहनत की। आत्मा वास्तव में
तो यही प्रोटेस्टेंट धर्म कहता है, जो व्यक्ति जिस दिन जितना अधिक कार्य करता है, जितने अच्छे से कार्य को करता है, जितनी अच्छी ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, तो उसका व्यवसायिक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ऐसे में व्यक्ति, हम कहते हैं ना, हम जितने अपने ईमानदारी, अपने गुण इकट्ठा करते जाएंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा। व्यक्ति जितने बुरे काम करेगा तो क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। पता है नहीं तो वास्तव में ये व्यवसायिक आचार ही है। वो कहते हैं व्यक्ति जितना अच्छे ईमानदारी से काम करेगा और जितना अधिक काम करेगा, तो उसकी आत्मा को उतनी ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है, मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है। वास्तव में ये प्रोटेस्टेंट धर्म कहता था। और व्यक्ति जितना अधिक लेजी होगा, कार्य नहीं करेगा, वो अपने अवगुणों को इकट्ठा करता जाएगा, मरने के बाद उसे नर्क मिलेगा और उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। देखो, मैंने पहला बताया है कि कार्य ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। दूसरा मैंने बताया व्यक्ति की आत्मिक संतुष्टि होती है जो वो ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करता है। और ऐसी मान्यता है, आप लिख भी लिखेंगे इसको, कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य करता है, अच्छे मन से करता है, तो उसको स्वर्ग मिलता है। जो व्यक्ति बुरे मन से कार्य करता है, अवगुणों से कार्य करता है, उसके अवगुण बढ़ते जाते हैं, उसको नर्क मिलता है। नेक्स्ट, जो तीसरी विचारधारा है प्रोटेस्टेंट धर्म में, वो कहते हैं धन से धन कमाना। वो क्या कहती है? धन से, जो अभी ब्रेंजामिन फ्रैंकलिन बात कर रहे थे, धन से धन कमाना, मतलब सीधे और स्पष्ट शब्दों में प्रोटेस्टेंट धर्म ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर पैसे देता है तो वो गलत नहीं है। बहुत सारे धर्म में और लगभग मोस्टली धर्म में यह कहा जाता है ब्याज वसूलना अपराध है, पाप है, वो व्यक्ति को पैसा कभी भी फलता नहीं है। लेकिन उल्टा प्रोटेस्टेंट धर्म कहता है ये व्यक्ति के पास यदि पैसा है, धन है, और उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया और उससे ब्याज वसूल लिया, ये बुरी बात नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपने, जैसे हम बैंकों में पैसा क्यों रखते हैं? हमें इंटरेस्ट मिलता है। फिर हम आरडी या फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि हमारे पास पैसा तो है ही, तो हम उससे आरडी करके उसे और बढ़ा देंगे। सब व्यक्ति प्रॉफिट सोचता है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म इसकी अनुमति देता है कि धन से धन कमाया जाता है, ब्याज वसूलना गलत बात नहीं है, आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट वो बताता है प्रोटेस्टेंट धर्म शराबवती को बुरा मानता है। शराबवती मतलब ड्रग्स एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन, जिसे हम कहते हैं नशा प्रति या शराब प्रति। वो कहता है व्यक्ति को शराब प्रति से दूर रहना चाहिए। तो शराब व्यक्ति देखो, ड्रग्स एडिक्शन या अल्कोहल एडिक्शन, व्यक्ति जब शराब पीता है या शराब पीकर कार्यस्थल पर आता है, वो बहुत बुरी बात है। उसको प्रोटेस्टेंट धर्म बिल्कुल नकारता है, मतलब उसको अवॉइड करता है। वो कहता है कभी भी कार्यस्थल पर नशा करके ये शराब पीकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कार्य क्षमता को घटाता है। कार्य क्षमता घटती है, आप काम गार करते आते हैं, आप बीमार रहने लगते हैं। देखिए लॉजिक भी है, कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। साइंटिफिक लॉजिक मैं इसलिए कह रही हूँ, वास्तव में जब व्यक्ति ड्रग्स एडिक्टेड हो जाता है तो उसके हाथ पैर कम काम करने लगते हैं, उसकी मजबूत ग्रिपिंग पावर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता, उससे कुछ गिर जाता है, नशे में होता है तो वो कार्य तो कर ही नहीं पाता। और वास्तव में प्रोटेस्टेंट धर्म भी कहता है व्यक्ति यदि नशे में रहता है वो काम कम कर पाएगा, उसका मानसिक स्तर गिरेगा और उससे क्या होगा, व्यक्ति का लेवल गिरता है। और वही कहा जहां इन्होंने ये बात की थी व्यावसायिक आचार की,
यदि व्यक्ति मेहनत से ईमानदारी से काम करता है तो उसे आगे जाके उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से संबंधित है। और लास्ट में प्रोटेस्टेंट विचारधारा, लास्ट अगर मैं बात कहूं, देखो प्रोटेस्टेंट विचारधारा ने क्या पहले कार्य को सबसे बड़ा गुण माना था कि कार्य ही व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण है। फिर उन्होंने व्यवसायिक प्रचार की बात की थी। फिर उन्होंने कहा था धन से धन कमाया जाता है। फिर वो कहते थे शराब को अच्छी बात नहीं है। और लास्ट में वो क्या कहते थे, कार्य से छुट्टी लेना, मन चुराना, वो भी बहुत बुरी बात है। प्रोटेस्टेंट धर्म कहते था, प्रोटेस्टेंट धर्म की विचारधारा कहती कि छुट्टी कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी लेता है या अपने आप को कार्यस्थल पर जाने से रोकता है तो वो भी स्वीकार नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा भी प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या क्या था, देखो वो कहते थे जो व्यक्ति अधिक घंटे कार्य करता है, देखे जैसे कोई फैक्ट्री में है, कोई व्यक्ति 5 घंटे कर रहा है, कोई 10 घंटे कार्य कर रहा है, तो वो कहते हैं जो 10 घंटे कार्य कर रहा है उसको अधिक वेतन मिलना चाहिए, बजाय किसके, जो 5 घंटे कार्य, वो अधिक कार्य के लिए अधिक वेतन की बात करते हैं। कौन? प्रोटेस्टेंट धर्म। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक मेहनत करेगा वो उतने ज्यादा आर्थिक लाभ का उत्तराधिकारी होगा, आर्थिक लाभ का हकदार होगा। साथ ही साथ एक नियम नहीं, बहुत सारे नियम। तो इन जो मैंने तुम्हें सारे नियम बताए हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में जो विचारधारा थी, जो उनकी मान्यता थी, तो उसने उस समय पूंजीवादी सिस्टम को बढ़ाने में मदद की। इससे क्या हुआ, जब लोग इन सब को मानने लगे, बहुत मेहनत से कार्य करते थे, लोग धन से धन कमाने को बुरा नहीं माना गया, तो लोगों का एक मोटिव बन गया बस मुझे अमीर बनना। आज हम देखते हैं यूरोप के देश, हमारे एशियन कंट्री की बहुत सारी कंट्रीज हैं एशिया में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री जो बहुत गरीब हैं, उनसे काफी आगे निकले हुए हैं। रीजन जानते हो क्यों? यही सब पिछली रीजन चले आ रहे हैं। वो लोग कहते थे हम मेहनत करेंगे, हम अमीर बने के दिखाएंगे, हम धन से धन को कमाएंगे, और आज भी वो कंट्री ऐसा ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ श्रम सस्ता दिखता है, मतलब हमारे यहाँ लेबर जो होती है वो बहुत कम है। यही लेबर तुम यूरोप में, कनाडा में जाओगे, ऐसे रेट मिलेंगे जो यहाँ क्लास वन ऑफिसर पाता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, भारत की इनकम और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की इनकम में धरती आसमान का फर्क है। और वो रीजन क्या है, धन से धन कमाना, वो वास्तव में जानते हैं, वो मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ साथ तुम्हें अगर फैक्ट बताओ, वो एंजॉय भी पूरा करते हैं। अगर वो साल में वहां एक एक दो दो महीने पूरा ऑफ रहता है, पूरा बंद रहता है, जितना मेहनत करो उतना ही एंजॉय करो लाइफ। तो वास्तव में प्रोटेस्टेंट विचारधारा ने पूंजीवादी सिस्टम को, पूंजीवादी क्या था, पूंजीवाद क्या था, एक आर्थिक व्यवस्था, एक सिस्टम जिसमें निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व, बड़ी मात्रा में उत्पादन, उत्पादन का लाभ निजी स्वामित्व को मिलना, उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से करना, और इन सब चीजों को अपनाया। साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट धर्म जो ये सारे नियम बने थे, इन्होंने पूंजीवादी सिस्टम को अपनाने में, पूंजीवादी सिस्टम को और अधिक बढ़ाने में पूरा योगदान दिया, जिसके कारण यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ। तो तभी इसको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट विचारधारा, और पूंजीवाद का उदय। ठीक, प्रोटेस्टेंट विचारधारा में ये सब था जिसके कारण पूंजीवादी सिस्टम बढ़ता गया।